आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है और सर्कल को बनाने के लिए कंपास का यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आप कहीं पर भी एक सिंगल पॉइंट ले लो, सिंगल पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन खींच लो, मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर, और इसी पर प्रकार की नोक रख के पेंसिल की नोक जब यहाँ ऐसे घुमाएंगे तो ये एक लाइन डबल हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो 5 ये हो जाएगी और 5 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और हमारे पास एक सर्कल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसको सेमी सर्कल कहते हैं, मतलब आधा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्कल। इसलिए कंपास का यूज़ किया जाता है। अगर आप पेंसिल और स्केल से भी खींचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो प्रकार इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी एक पॉइंट पर रखकर सेम डिस्टेंस से एक लाइन खींचे, जिसे हम सर्कल कहते हैं। और सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऑल पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जिसे हम सेंटर, इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है कि जब ये पूरी एक लाइन कंप्लीट हो जाए, जब ये एक पूरी लाइन कंप्लीट हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इससे लेकर यहाँ तक ये आर होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, और यहाँ से भी आर होता है, जाहिर सी बात है दोनों सेम है, तो आर रेडियस, तो एक आर और एक आर मतलब दो रेडियस बराबर होता है डायमीटर के, डायमीटर होता है ये कंप्लीट लाइन, और ये कंप्लीट लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फिर जाके स्ट्रेट लाइन को हम 180 डिग्री भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि सेम लाइन हमारे पास क्या होती है, 180 डिग्री। अब जब आप 180 को 20 से तोड़ेंगे ना, 20 से, तो वो हमारे पास 90 होगा ना, 180 को जब दो इसे करेंगे तो 90, इसलिए हम इसको 90 डिग्री कहते हैं, और वह हमारे पास राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब राइट एंगल जब नीचे भी उतारेंगे तो हमने क्या किया, 180 को 30 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 270 आ गया। 270 कैसे, 90, 90, 180, 90, 270 और 90, जब दोबारा जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री कहते हैं हम इसे, इसे हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। अब डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से सेंटर के सर्कमफेरेंस से, सर्कमफेरेंस क्या होता है, इस लाइन को कहते हैं सर्कमफेरेंस। किसी भी पॉइंट से एक सर्कमफेरेंस और दूसरे सर्कमफेरेंस लाइन टच हो जाए तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि किसी भी सर्कल के बीच में एरिया वो नहीं, लेकिन पॉइंट से स्टार्ट हो, पॉइंट से लेकर यहाँ तक और पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इसे हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर के बाद हम जब किसी भी लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खींचते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटर से गुजारते हैं तो वह हमारे पास डायमीटर होता है, और जब हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से इसको गुजारते हैं फिर इसे हम कोर्ड कहते हैं, कोर्ड। देखो सेक्टर और कोर्ड में फ़र्क क्या है, सेक्टर पॉइंट से, ये देखो ये पॉइंट से, और कोर्ड क्या है, किसी भी एक लाइन से दूसरे लाइन से, पॉइंट से ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम कोर्ड कहते हैं। इसीलिए इसकी एक छोटी सी पॉइंट वो होती है कि एवरी डायमीटर इज़ अ कोर्ड बट एवरी कोर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। ये डायमीटर कोर्ड तो कहलाएगा, कोर्ड क्यों कहलाएगा, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, अगर सेंटर से गुजर रहा है तो डायमीटर, लेकिन दो पॉइंट अब ये डायमीटर नहीं कहलाएगा, ये कोर्ड कहलाएगा। तो एवरी डायमीटर इज़ अ कोर्ड बट एवरी कोर्ड इज नॉट अ डायमीटर। ये कोर्ड हो सकता है, ये डायमीटर हो सकता है, लेकिन ये डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि डायमीटर सेंटर से गुजरता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी भी एक लाइन से सेंटर की सर्कल बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, आप इसका मिड पॉइंट ढूंढें, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए फिर प्रकार की यूज, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, आधे से ज़्यादा खोल के एक पॉइंट लगाएंगे, उसी प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पर पॉइंट रखकर एक पॉइंट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, जिसे हम आर्क कहते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ और प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट को जब आप स्केल से गुजारेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन स्केल से सीधा आएगा, ये आपके पास मिड पॉइंट हो गया। अब इतना आसान काम है कि मिड पॉइंट को प्रकार की नोक यहाँ रखो, ऐसे घुमा दो, तो ये फिर सर्कल बन जाएगा।
आप इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल के लिए ये जो डिग्री है ना, डिग्री ये 180 है ना, यहाँ से लेकर ज़ीरो से, हमने इससे पहली बार किया ना ये। अब ज़ीरो से लेकर 180 को हम पाई कहते हैं, पाई। पाई को जब आप दो हिस्से करेंगे, मतलब पाई के दो हिस्से, तो वो 90 हो जाएगा। तो ज़ीरो 90 बराबर है पाई ओवर टू के, 180 बराबर है पाई के 270 और 360। पाई को जब डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई। अब इसका क्या करेंगे, जब ये पाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, 270। अब पाई को निकालने के लिए एक सिंपल पैटर्न ये है कि पाई कितना होता है, 180। पाई यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड कर दो। अब ये 180 ये कैसे डिवाइड करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म। अब ये किस टेबल में आएगा, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 में आते हैं ना, 3 9 ज़ा और 9 के टेबल में भी आते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो 9 3 ज़ा और 9 2 ज़ा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2 ये होता है 270। और यहाँ पर जब डबल आएगा यहाँ पर, वो 360 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई, मतलब 1 पाई 180 और 180 का डबल क्या होता है, 2 पाई। अब ये जब पॉइंट कोई लेंगे ना, आप किसी भी सेंटर से एक पॉइंट लेंगे, मतलब ये पॉइंट है प्रकार के नहीं, जब आप यहाँ रखेंगे ना एक ऐसे गोल, अब इसको इस प्रकार को, मतलब मैंने प्रकार के नहीं यहाँ खोली, यहाँ तक, यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे ना, वो हमेशा 60 पे कट करेगा, ये कंपलसरी है, फिक्स है। जब आप प्रकार की नोक, दोबारा बता रहा हूँ, मतलब ये एक प्रकार है, प्रकार की नोक आपने यहाँ रखी और पेंसिल की नोक यहाँ, आपने इसको चेक किया, ये इतना है, ये इतना है। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, एक पॉइंट लगा, वो हमेशा 60 डिग्री होगा, तो 60 एक। अब इसी 60 पर ये प्रकार रखो दोबारा, कम ज़्यादा नहीं करना, जितना ये है उतना ये रखो, फिर 60 दो, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 4, 5 और फिर यहाँ पर रखेंगे 6। तो हमेशा हमेशा याद रखो कि 360 के अंदर हमेशा 6 रेडियंस होते हैं, 6 रेडियन। इस 60 डिग्री को हम 1 रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन और 6 रेडियन। तो ये बेसिक चीज़ें थी आपके पास सर्कल की। इसके बाद हम इसके मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे, तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाजमी कवर कीजिए ताकि बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग हो। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।